रिस्पेक्टेड व्यूवर्स, लाइकर्स एंड सब्सक्राइबर्स, वेलकम टू आवर चैनल जिसका नाम है हिंदी साहित्य और व्याकरण गुरु। आज का हमारा टॉपिक है, पिछले से चल रहा है जो टॉपिक वही है, हिंदी भाषा का विकास क्रम। हिंदी भाषा के विकास क्रम में हम ये सभी जानते हैं कि स्टार्टिंग में सबसे पहले वैदिक संस्कृत थी, फिर लौकिक संस्कृत, उसके बाद पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, फिर हिंदी। और अपभ्रंश में भी अगर हम करें कि अपभ्रंश, फिर अवहट, फिर पुरानी हिंदी, फिर मानक हिंदी, तो क्रम क्या बनता है? वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट, पुरानी हिंदी, फिर मानक हिंदी। तो जैसे हमें पता ही है कि पहला जो है वो प्राचीन भारतीय आर्य भाषा काल होता है, जो कि 1500 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व तक का समय माना गया है। और प्राचीन भारतीय आर्य भाषा काल में दो भाषाएं थी, सबसे पहले थी वैदिक संस्कृत। जैसे हमें पता है कि भाषा का क्रम जो है वो नीचे की तरफ जाता है, यानी कि कठिन से सरल की ओर जाता है, सरल से सरलतर, सरलतर से सरलतम। यानी कि जो वैदिक संस्कृत है उस समय आम बोलचाल की भाषा जो थी लौकिक संस्कृत थी, और लौकिक संस्कृत के समय आम बोलचाल की भाषा धीरे धीरे और थोड़ा सा वियोग में जाने लगी, जिसे हम पाली कहते हैं। पाली के समय में थोड़ा सा और वियोगात्मक होने लगी, तो प्राकृत, और अपभ्रंश के समय में काफ़ी ज़्यादा वियोगात्मक भाषा हो गई थी। उसके बाद तो कारक शुरू ही हो गए थे, काके की, कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए अपादान से, इस तरह से ये कारक। तो पहले हम करते हैं प्राचीन भारतीय आर्य भाषा काल, जो कि 1500 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व तक। इसमें है वैदिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत में वेद, चारों वेद, यानी कि ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, यजुर्वेद, इनमें सबसे प्राचीनतम वेद माना जाता है। सबसे बोल दिया तो प्राचीन, सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है, या फिर ये कहें कि प्राचीनतम वेद कौन सा है, तो वो ऋग्वेद। और ब्राह्मण ग्रंथ और उपनिषद, वेद, चारों वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, उपनिषद, ये वैदिक संस्कृत में लिखे गए। उसके बाद है लौकिक संस्कृत। लौकिक संस्कृत में रामायण और महाभारत लिखे गए। लौकिक संस्कृत में रामायण और महाभारत लिखे गए। उसके बाद आता है मध्य भारतीय आर्य भाषा काल, यानी कि ये बीच का समय है, 500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी तक। देखिए, 1500 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व तक का समय प्राचीन भारतीय आर्य भाषा काल, उसके बाद 500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी तक मध्य भारतीय आर्य भाषा काल। इसमें तीन भाषाएं मुख्यतः ली जाती हैं, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश। पाली, प्राकृत, अपभ्रंश। अब इनमें कौन कौन सी रचनाएं हैं, कौन कौन से ग्रंथ हैं, उसकी काफ़ी डिटेल तो मैं पिछले वीडियो में दे चुकी हूँ, क्योंकि ये सेकेंड पार्ट है। तो इसमें मैं आपको सिर्फ क्रम के आधार पर उनकी भाषाएं, उपभाषाएं, और जो हमारी एंड रहेगा वो हिंदी की जो 18 बोलियां हैं उसकी 5 उपभाषाएं हैं, वहां तक। तो हम वहां तक शुरू रखेंगे। अगर आपको इसकी और डिटेल चाहिए तो हमारे पार्ट 1 में आप देख सकते हैं, और इसके बाद भी मैं एक भाषाओं से रिलेटेड जो UGC नेट का एग्ज़ाम है उसके हिसाब से, उसके सिलेबस के हिसाब से एक और भी बनेगा इसका वीडियो, तो आप उसमें भी देख सकते हैं, ठीक है। तो पाली, प्राकृत, अपभ्रंश। इससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी, प्लीज़ इस चैनल को अगर आपने शेयर, लाइक, सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ प्लीज़ वीडियो के नीचे का लाल रंग का सब्सक्राइब बटन ज़रूर प्रेस कर दें, साथ में बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कर दें। और कोई प्रॉब्लम है या आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ कमेंट भी ज़रूर दें। आपके व्यूज़ हमारे लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ अपने व्यूज़ दे दिया कीजिए, इस चैनल को आगे बढ़ाने के लिए बहुत ज़रूरी है। हमारा पूरा जो ग्रुप है, पूरी टीम जो है, इसके लिए वर्क कर रही है, और आपके लिए नए जो सिलेबस के हिसाब से हमने हिंदी के नेट की कोचिंग जो स्टार्ट की हुई है, तो उसके लिए भी हमें आपके व्यूज़ और लाइक्स बहुत ज़रूरी चाहिए, तो थैंक यू। हाँ, ऐसे रिक्वेस्ट करनी पड़ती है, एक्चुअली लाइक शेयर बहुत कम आते हैं, तो सॉरी बट आई हैव टू रिक्वेस्ट, क्योंकि मेरे चैनल भी तो चलाना है ना, इसलिए थैंक यू। आगे चलते हैं प्राकृत। सबसे पहले हम लेते हैं पाली को। पाली भाषा जो है उसका समय आता है 500 ईस्वी पूर्व से 1 ईस्वी तक, 500 ईस्वी पूर्व से 1 ईस्वी तक। उसके बाद आता है प्राकृत। जो प्राकृत है उसका समय 1 ईस्वी से 500 ईस्वी तक, और अपभ्रंश उसका समय आता है 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक। 1000 के बाद धीरे धीरे हिंदी ने विकास करना शुरू कर दिया था, जैसे कि आदिकाल में आता है। तो हम पाली से बात कर रहे थे, 500 ईस्वी पूर्व से 1 ईस्वी तक। उसके बाद है प्राकृत। प्राकृत में है 5
प्राकृत के पांच भाग हैं। ये आपने ध्यान रखना है कि हिंदी के विकास क्रम क्या है, वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट, पुरानी हिंदी, हिंदी, ये तो हुआ हिंदी का विकास क्रम। उसके बाद जो प्राचीन भारतीय आर्य, ये तीन क्रम हुए, प्राचीन भारतीय आर्य भाषाकाल, मध्य भारतीय आर्य भाषाकाल और तीसरा आधुनिक भारतीय आर्य भाषाकाल। तो ये तीन हुए। तीन के बाद जो प्राचीन भारतीय आर्य भाषाकाल है उसमें दो भाषाएं हैं, वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत, मतलब संस्कृत यहाँ ख़त्म होती है। मध्य भारतीय आर्य भाषाकाल में तीन है, पाली, प्राकृत और अपभ्रंश। पाली, प्राकृत और अपभ्रंश में भी पाली का समय 500 ईस्वी पूर्व से 1 ईस्वी तक, प्राकृत का 1 ईस्वी से 500 ईस्वी तक और अपभ्रंश का 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक। जो प्राकृत है उसमें पांच प्राकृत भाषाएं मानी जाती हैं, शौरसेनी प्राकृत, पैशाची प्राकृत, महाराष्ट्रीय प्राकृत, मागधी प्राकृत और अर्धमागधी प्राकृत। जो शौरसेनी प्राकृत है उसका किन किन प्रदेशों में बोली जाती है वो मैं पिछले वीडियो में बता चुकी हूँ। हम शौरसेनी प्राकृत से जो अपभ्रंश निकली हैं ये प्राकृत के पांच हैं और अपभ्रंश के सात हैं। पांच तो वही हैं जो प्राकृत के हैं, यानी कि शौरसेनी प्राकृत को हम शौरसेनी अपभ्रंश कर देते हैं, पैशाची प्राकृत को पैशाची अपभ्रंश, महाराष्ट्रीय प्राकृत को महाराष्ट्रीय अपभ्रंश, मागधी प्राकृत को मागधी अपभ्रंश और अर्धमागधी प्राकृत को अर्धमागधी अपभ्रंश। उसके अलावा दो और हैं, ब्राचड़ अपभ्रंश और खस अपभ्रंश, ब्राचड़ अपभ्रंश और खस अपभ्रंश। अब इन अपभ्रंश से जो आधुनिक भारतीय भाषाओं का विकास हुआ वो हम अब पढ़ेंगे मेनली। तो आधुनिक भारतीय आर्य भाषाकाल जो है वो 1000 ईस्वी से अब तक का माना जाता है, यानी कि आगे चल ही रहा है। पहले काव्य रचनाओं का अधिक विकास हुआ, उसके बाद गद्य रचनाओं का हुआ, फिर दोनों का चलने लगा और फिर धीरे धीरे काव्य रचनाओं में खड़ी बोली और गद्य की भाषा आने लगी। तो वो आगे हम करेंगे डिटेल, ये बहुत आगे की है। तो शौरसेनी अपभ्रंश, पहले पांच प्राकृत जो थी, शौरसेनी, पैशाची, महाराष्ट्री, मागधी और अर्धमागधी, उससे सात अपभ्रंश जो हुई, पांच तो सेम ही है, शौरसेनी, पैशाची, महाराष्ट्री, मागधी, अर्धमागधी और ब्राचड़ और खस। इन अपभ्रंश से जो जो हिंदी की और भी भाषाएं निकली हैं, लेकिन हिंदी की जो है हम मेनली उन्हें पढ़ेंगे क्योंकि वही हमारे मेनली सिलेबस में है। फिर भी एक बार नाम देख लेते हैं, शौरसेनी अपभ्रंश से गुजराती, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, तीन ये भाषाएं निकली। पैशाची अपभ्रंश से पंजाबी, लहंदा, ये दो भाषाएं निकली, पंजाबी से पैशाची से पंजाबी और लहंदा। और महाराष्ट्री जो है उससे मराठी, मागधी से बिहारी, बंगला, उड़िया, असमिया, बिहारी, बंगला, उड़िया, असमिया। अर्धमागधी अपभ्रंश से पूर्वी हिंदी, अर्धमागधी अपभ्रंश से पूर्वी हिंदी, ब्राचड़ से सिंधी और खस अपभ्रंश से पहाड़ी भाषा निकली। रिपीट कर देते हैं, शौरसेनी अपभ्रंश से, अब हिंदी वाली पढ़ूंगे सिर्फ, शौरसेनी अपभ्रंश से पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, चलिए गुजराती भी जो हिंदी में नहीं है लेकिन फिर भी हम देख लेते हैं। शौरसेनी अपभ्रंश से तीन, गुजराती, पश्चिमी हिंदी और राजस्थानी, गुजराती, राजस्थानी, पश्चिमी हिंदी। पैशाची अपभ्रंश से दो, पंजाबी और लहंदा, पैशाची अपभ्रंश से दो, पंजाबी और लहंदा, हिंदी से इतना कोई इनका लिंक नहीं है। महाराष्ट्री अपभ्रंश से मराठी, महाराष्ट्री अपभ्रंश से मराठी, मागधी अपभ्रंश से चार, बिहारी, बंगला, उड़िया, असमिया, बिहारी, बंगला, उड़िया, असमिया। अर्धमागधी अपभ्रंश से पूर्वी हिंदी, अर्धमागधी अपभ्रंश से पूर्वी हिंदी, ब्राचड़ अपभ्रंश से सिंधी, खस अपभ्रंश से पहाड़ी। क्लियर। अब हम जो हिंदी की पांच उपभाषाएं हैं वो कौन कौन सी हैं, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, बिहारी, पूर्वी हिंदी, पहाड़ी। पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, राजस्थानी, पहाड़ी, बिहारी। अब इन पांच उपभाषाओं से 18 बोलियां जो हमारा को मेनली उनके क्षेत्र भी पढ़ने हैं वो हम आगे पढ़ेंगे अगले वीडियो में। इसमें हम सिर्फ इनकी मुख्य मुख्य जो बोलियाँ हैं उन्हें पढ़ेंगे। पश्चिमी हिंदी से खड़ी बोली, जिसे हम कौरवी भी कहते हैं, जिसमें हम ज़्यादातर रचनाएं देखते ही हैं और जिसे प्रमोट करने के लिए महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने बहुत प्रयास किया, सरस्वती पत्रिका में पूर्ण विराम देना, पूर्ण विराम लगाना हमें महावीर जी ने सिखाया, गद्य के लिए खड़ी बोली विकसित करने के लिए उन्होंने कहा, साथ साथ में स्त्री पात्र। आप कहेंगे महावीर प्रसाद जी का जब भी नाम आता है मैडम शुरू हो जाती है, क्या करूँ, जिनको डिटेल में पढ़ा हुआ है और जिनमें थोड़ा सा इंटरेस्ट है उसमें अपने आप ही बातें निकलती हैं। तो खड़ी बोली कौरवी, उसके अलावा हरियाणवी, बुंदेली, ब्रज भाषा जिसके सम्राट सूरदास जी हैं, और कन्नौजी। खड़ी बोली
जिसे हम कौरवी भी कहते हैं, हरियाणवी जिसे बांगरू भाषा भी कहा जाता है, बांगरू, बुंदेली, कन्नौजी और ब्रज भाषा। फिर है पूर्वी हिंदी, पूर्वी हिंदी से अवधी जिसमें तुलसीदास जी ने रचनाएं की हैं, तुलसीदास जी ने ब्रज भाषा में भी की हैं, आप वो मत रहना कि अवधी, हाँ अवधी में उसने उन्होंने ज़्यादा किया और ज़्यादा प्रसिद्धि भी मिली, जैसे कि रामचरितमानस हमें पता ही है। अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी पूर्वी हिंदी की हैं, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। फिर है राजस्थानी, राजस्थानी में पश्चिमी राजस्थानी जिसे मारवाड़ी भी कह देते हैं, पूर्वी राजस्थानी जिसे हम जयपुरी या ढूंढाणी, तीनों सेम ही हैं, पूर्वी राजस्थानी, जयपुरी या ढूंढाणी, उत्तरी राजस्थानी जिसे हम मेवाती कहते हैं, दक्षिणी राजस्थानी जिसे हम मालवी कहते हैं। तो सीधा सा है मारवाड़ी, जयपुरी, मेवाती, मालवी या पश्चिमी राजस्थानी, पूर्वी राजस्थानी, उत्तरी राजस्थानी, दक्षिणी राजस्थानी, वो आप जब आप राजस्थान का मैप देखेंगे तो उसमें क्लियर हो जाएगा। फिर है पहाड़ी, पहाड़ी में गढ़वाली, कुमाऊनी और पश्चिमी पहाड़ी, पश्चिमी पहाड़ी, गढ़वाली और कुमाऊनी। फिर है बिहारी, मैथिली, मगही, भोजपुरी, भोजपुरी जी भाषा के बारे में हमने पिछली बार बात की थी, भिखारी ठाकुर जी के बारे में भी बात की थी जिन्हें भोजपुरी का शेक्सपियर कहा जाता है, उनकी रचनाएं भी बहुत प्रसिद्ध हैं, उसके अलावा सिनेमा जगत भी बहुत प्रसिद्ध है। तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे, इसकी जो डिटेल है एक बार मैं रिपीट कर देती हूँ। सबसे पहले वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, उसके बाद अवहट, उसके बाद पुरानी हिंदी और फिर हिंदी। फिर है तीन भाषाएं, तीन काल जो हैं, भारत प्राचीन भारतीय आर्य भाषा काल, मध्य भारतीय आर्य भाषा काल और आधुनिक भारतीय आर्य भाषा काल। समय 1500 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व तक। मध्य भारतीय आर्य भाषा काल का समय है 500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी और आधुनिक भारतीय आर्य भाषा काल जिसमें अभी आपको हिंदी की बताई हैं 5 उपभाषाएं और 18 बोलियां वो है 1000 ईस्वी से अब तक। उसके बाद प्राचीन भारतीय आर्य भाषा काल में 2 भाषाएं, वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत। मध्य भारतीय आर्य भाषा काल में पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, पहले पाली फिर प्राकृत फिर अपभ्रंश। अपभ्रंश के बाद हमें पता ही है पुरानी हिंदी शुरू हो जाती है। प्राकृत की 5 शौर सैनी, पैशाची, महाराष्ट्री, मागधी, अर्धमागधी, प्राकृत। और प्राकृत के बाद है अपभ्रंश, अपभ्रंश की 7 शौर सैनी, पैशाची, महाराष्ट्री, मागधी, अर्धमागधी और 2 और हैं ब्राचड़ और खस। इनसे निकलने वाली भाषाएं पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, गुजराती, पैशाची से पंजाबी लहंदा, महाराष्ट्री अपभ्रंश से मराठी, मागधी अपभ्रंश से बिहारी, बंगला, उड़िया, असमिया, अर्धमागधी अपभ्रंश से 1 पूर्वी हिंदी, ब्राचड़ से सिंधी, खस अपभ्रंश से पहाड़ी। अब इनमें से जो हिंदी की हैं उनमें पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, राजस्थानी, पहाड़ी और बिहारी ये 5 उसकी उपभाषाएं हैं। 18 जो बोलियां हैं वो पश्चिमी हिंदी में, खड़ी बोली, हरियाणवी, बुंदेली, कन्नौजी, ब्रजभाषा। पूर्वी हिंदी में अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। उसके बाद है राजस्थानी, पश्चिमी राजस्थानी, पूर्वी राजस्थानी, उत्तरी राजस्थानी और दक्षिणी राजस्थानी, इसे हम इस तरह भी से भी कह सकते हैं, जयपुरी, मेवाती, मालवी और मारवाड़ी। फिर है पहाड़ी जिसकी 3 हैं बोलियां, गढ़वाली, कुमाऊनी और पश्चिमी पहाड़ी। और बिहारी उपभाषा की 3 हैं मैथिली, मगही, भोजपुरी। यहाँ तक आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा, तो आपको ये सब याद रखना है। इससे रिलेटेड ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्वेश्चंस होंगे, जैसे जो ब्रज भाषा है वो किस अपभ्रंश से निकली, या फिर उत्तरी राजस्थानी किस प्राकृत भाषा से निकली, या इससे ही संबंधित बहुत से प्रश्न होंगे जो एग्जाम में भी आते हैं। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा काल का समय क्या था, मागधी प्राकृत से निकली कौन सी अपभ्रंश है, तो मागधी अपभ्रंश ही है। आपको ये सब याद करना है, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स देखना ना भूलें, उसमें पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों से ही रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, तो आपको वो सॉल्व करने हैं। थैंक यू। सॉल्व करने क्या है, सॉल्व किए हुए मिलेंगे आपको, लर्न भी करने हैं और फिर अपने आप से क्वेश्चंस कुछ भी करने हैं। प्लीज़ कॉपी पेन लेकर बैठा कीजिए। थैंक यू।